हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। तो आज हम बात करेंगे जिंक, उसका भी बहुत पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और बात करेंगे जिंक क्या होने वाला है आज और कहाँ पे बाय सेल कुछ कर सक कहाँ पे एंट्री कर सकता है उसका ऊपर हम डिटेल्स बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जिंक 187 पिवट पॉइंट एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 190 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 191.7 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 194.5 एंड फर्स्ट सपोर्ट 185.86 एंड सेकेंड सपोर्ट 183 एंड थर्ड सपोर्ट 181। तो आप देख सकते हैं ये जिंक मैंने डेली चार्ट पहले लिया हुआ है। ये डेली चार्ट में आप देख सकते हैं जिंक ने के लोअर लो लोअर हाई फॉर्म में है जो प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हैं हाई पॉइंट लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अब ये बना रहा है लोअर हाई। तो मुझे लगता है ये जो लोअर हाई बना रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जिंक मुझे लगता है एक ये जो 150 जो मूविंग एवरेज है ये मतलब ये जो मूविंग रेड लाइन 150 मूविंग एवरेज है मुझे लगता है यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक मार्केट जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बना के आया था 150 मूविंग एवरेज, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ उसका बाद एक रेजिस्टेंस बनाया नीचे आया, तो फिर से एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा मुझे लगता है यहाँ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ से क्या करेंगे एक हॉराइजेंटल लाइन एक्जैक्टली वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो हॉराइजेंटल लाइन एक आसपास में ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये हमें एक सपोर्टिंग लाइन सॉरी रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट 190 तक जा सकता है यहाँ पे, राइट। तो इसको मैं पहले हाँ तो 190 तक मार्केट जा सकता है ये डेली में, क्योंकि यहाँ पे आप एक बात कंफर्म क्यों हो रहा है स्टॉक स्टिक और CCI ये जीरो लेवल क्रॉस करने के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 150 मूविंग एवरेज जो है वहाँ तक जा सकता है, नहीं अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 200 मूविंग एवरेज का आसपास जा सकता है। तो अगर 150 मूविंग एवरेज से वापस मार्केट अगर नीचे आ गया तो ये एक फेल होगा क्या किस में, तो न्यू हायर हाई बनाने का जो ये अभी जो ट्रेंड है तो इसको वो फेल हो जाएगा, तो बाद में नीचे एक लोअर हाई बना सकता है, राइट। लोअर हाई बना सकता है जैसे लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर लो से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करके यहाँ पे एक नेक लाइन बहेगा तब, ठीक है। अगर ये मेथड नहीं हुआ अगर इसको कंटिन्यूस जाके 200 मूविंग एवरेज तक चला गया तो इसमें होगा एक क्या होगा एक हायर हाई फॉर्म हुआ, जैसे हायर लो था हायर हाई बनेगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है जैसे ये एरिया है ये, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इसका बाद यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है ये डेली मेथड में है। तो आज हम एक कंफर्म किया कि मार्केट अब जाने वाला है ऊपर अराउंड 190 नहीं तो 196, तो 196 एक दिन में 196 तो थोड़ा जाने के जा नहीं सकता, थोड़ा दिक्कत है। तो मुझे लगता है 190 तक तो जा सकता है आज यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया डेली में। हम देखेंगे थोड़ा फोर आवर चार्ट में, फोर आवर चार्ट में क्या फॉर्म कर रहे हैं। तो फोर आवर चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है लेकिन 200 मूविंग एवरेज स्टिल पॉइंटिंग अपवर्ड। तो क्या होता है सब डाउन ट्रेंड रहता है 200 मूविंग एवरेज भी नीचे आने का स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक देख सकता है जो ब्लैक है ब्लैक लाइन है 200 मूविंग कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ दिखा रहा है, राइट, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट स्टिल दे ट्राइंग टू गो अप, राइट स्टिल। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ नीचे तक आ गया था स्टिल 200 मूविंग एवरेज स्टिल पॉइंटिंग अपसाइड, राइट। ये एक लॉजिक रहता है इसका बिहाइंड में। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिला हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है जो मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट किया हुआ है 150 को अभी 200 मूविंग एवरेज, जैसे हमने एक
ये 190 में एक ट्रेंड लाइन डाला था, तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, 200 का 4 आवर में 200 में एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट एटलीस्ट 200 तक जाना है, उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है जैसे 150 मूविंग एवरेज में। तो अगर ये दोनों ऐसा फॉर्म हो गया तो थोड़ा ट्रेड क्या होता है, ऐसा अगर हो गया तो प्राइस 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज की बीच में घूमना शुरू कर देता है, जो इसको बोलते हैं प्राइस टैपिंग, राइट। प्राइस टैपिंग मेथड क्या होता है, 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज, ओके, और कभी कभी क्या होता है 150 नहीं 200 मूविंग एवरेज, इसका बीच में प्राइस क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, राइट, ट्रैपिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर ये आज 200 मूविंग एवरेज से गया तो उसको ब्रेकआउट नहीं किया तो अगर नीचे आ गया तो 150 मूविंग एवरेज के आसपास और 100 मूविंग एवरेज, 200 और 150 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस ट्रैप होने लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं साइड वेव और कंसोलिडेशन। उसको ब्रेकआउट करने के बाद हम जा सकता है, ये हो गया 4 आवर के लिए, ठीक है। तो अभी देखेंगे 1 आवर चार्ट में, थोड़ा 1 आवर चार्ट भी देखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो देख सकते हैं 1 आवर में एक हायर हाई बना के जा रहा है, राइट, हायर हाई। तो अगर हायर हाई कन्फर्म कर रहा है तो हमें लगता है मार्केट ऊपर 190 तक जाने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो अभी देखना है हमें 15 मिनट में, तो 15 मिनट में देख सकते हैं आप क्लियर एक अप ट्रेंड हमें मिला हुआ है, क्लियर क्या मिला हुआ है, अप ट्रेंड मिला हुआ है। तो क्लियर अप ट्रेंड मिलेंगे तो हमें एंटी कहाँ करना है, प्राइस एक्शन को देखना है कहाँ से, प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो गया क्या, क्योंकि ये अभी क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेज कहाँ से ज़्यादा बाउंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम पहले ये रेड लाइन 150 मूविंग एवरेज देखा, ये रेड लाइन, यहाँ से बाउंस हुआ, मार्केट बाउंस हो रहा है, उसका बाद स्टार्ट किया 50 से बाउंस हुआ, 50 से बाउंस हुआ, उसका बाद फिर से आ गया 150 में बाउंस अप, तो मुझे उसका बाद फिर से 100 मूविंग एवरेज से बाउंस शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है अभी मार्केट 100 इधर नहीं तो 150 और 200 साथ में आएंगे, तो यहाँ से मार्केट बाउंस होना शुरू करेंगे। तो एग्जैक्टली लेवल अराउंड रहेगा 185, ठीक है, 185 का आसपास से मुझे लगता है मार्केट बाउंस होने का चांसेस है। तो इसलिए आपको होल्ड करना पड़ेगा कितना तक, 180 का आसपास आए, अगर मार्केट 180 का आसपास आए तो आप 1 आर SL लगा सकता है, 1 आर, और बुक प्रॉफिट आप 2 आर, PBS जो हायर पॉइंट है और उसका थोड़ा ऊपर 2 आर, ये आ गया 2 आर में आप टारगेट लगा सकता है, अराउंड 189 का आसपास रहेगा, 189 का, ठीक है। तो मतलब 185 में बाय लगाया, 184 1 रुपीज़ का नीचे, और 85 86 87 2 रुपीज़ 83 87, तो आपको यहाँ पे 85 में लिया, तो यहाँ पे आपको 3 आर मिलेगा, ठीक है, 3 आर में आप बाय में जा सकता है। ये हो गया ट्रेडिंग आज का एंट्री पॉइंट। तो आपको होल्ड करना पड़ेगा कहाँ तक, होल्ड आप 185 का आसपास तक होल्ड कीजिए, उसके बाद आपको CCI कंफर्मेशन मिलेगा बाय के लिए, स्टॉकस्टिक कंफर्मेशन मिलेगा, और कोई भी इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तब आपको बाय सिग्नल जब मिलेगा तब आप एंट्री कर सकता है बाय के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आज का जिंक। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।